हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी नाश्ता और वो भी चटनी के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये 2 कच्चे आलू हमने लिए हैं, तो हमने छिलके उतार के और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था, तो इनको साइड में रख लेंगे। और ये हमने प्लेटर लिया है और ये कद्दूकस ले लिया है। तो ये बारीक वाली जो जाली है, मीडियम वाली, उसी से हम इसे आलू को कद्दूकस करेंगे, ज़्यादा मोटे वाले से नहीं करेंगे। तो इसी से दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है ये और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसको पूरे को कद्दूकस कर लेंगे दोनों आलूओं को, और कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में ही इतनी चीज़ें तो घर में वैसे ही मिल जाती हैं। तो ये आप देखिए बारीक बारीक लच्छे निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो दोनों आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद इसे अच्छे से निकाल लेंगे इन्हें आलूओं को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसे आलू को इसमें डाल देंगे। आलू बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं, इसलिए हो सके तो आलूओं को फटाफट से कद्दूकस करके और पानी में अच्छे से ऐसे करके धो लेंगे, ताकि ये जो लच्छे हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इन्हें 3-4 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो ये हमने धो के और छन्नी में रख लिया था इनको, तो बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बाउल में। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक हम इसमें डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके, एक एक लच्छे में बढ़िया सा नमक लग जाए। तो इससे क्या होगा, नमक डालने से ये जो लच्छे हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और जितना भी इसमें पानी होगा वो निकल जाएगा। तो ऐसे करके, और इससे क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं ऐसे ही नमक में। उसके बाद ये आप देखिए ये जो आलू के लच्छे हैं ये भी बढ़िया से सॉफ्ट से हो गए हैं और कितना सारा पानी इसमें निकल गया है। तो अब हम एक दूसरा बाउल ले लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे दोनों हाथों में अच्छे से दबाते हुए। तो ये आप देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। तो ऐसे करके और एकदम सूखे सूखे से लच्छे निकल आएंगे। तो ऐसे ही पूरे को कर लेंगे। तो ये पूरे आलू को कर दिया। उसके बाद हम नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था। तो इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हम ये गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। तो मसाले आप जो भी यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा हम चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं और आधी चम्मच हम छोटी आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम एक चुटकी काली मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं। उसके बाद 2 हरी मिर्ची डाल रहे हैं कट करके, और थोड़ा ज़्यादा सा धनिया की पत्तियाँ डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके, ताकि आलू पे अच्छे से ये मसाले लग जाएं। तो ऐसे करके जो लच्छे बने हुए हैं उसे भी अच्छे से खोल लेंगे, क्योंकि हमने इसे निचोड़ा था तो ये एक साथ वैसे हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इनको ऐसे खोलते हुए और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं। तो ये 2 चम्मच चावल का आटा हमने डाल दिया और 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर इसमें डाल रहे हैं। तो आप चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लोर से ही सिर्फ बना सकते हैं, या फिर सिर्फ चावल के आटे से इसे बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं आप। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ऐसे करके, और एक एक लच्छे में बढ़िया करके ये लग जाए। तो ऐसे ही करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। कोई भी झंझट नहीं होती है इस नाश्ते को बनाने में, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो ये आप देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम हाथों को धो लेंगे और थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथों में, और थोड़ा थोड़ा लेके, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़े छोटे छोटे बॉल से बना लेंगे ऐसे करके। और ये आप देखिए अच्छे से बाइंडिंग भी आ रही है इसमें, ऐसे नहीं है कि ये टूट रहे हैं। तो ऐसे करके हल्के हाथ से इसे और गोल नींबू की शेप दे देंगे, ये आप देखिए। तो ऐसे ही करके और सबको बना लेते हैं।
तो ये बना के हमने तैयार कर दिए हैं, इनको साइड में रखते हैं और एक छोटी सी तैयारी कर लेंगे इस नाश्ते के साथ, एक चटपटी सी चटनी की। तो ये हमने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते लिए हैं, उसके बाद एक कच्चा आम हमने लिया है तो हमने छिलके उतार के और इसे कट कर लिया था। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्ची लिए हैं तो इसे भी डाल देते हैं, और 3-4 फली लहसुन की हैं तो इन्हें भी डाल देंगे। उसके बाद हम नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, इससे कलर भी अच्छा आएगा, और थोड़ा सा साबुत जीरा डाल लेंगे। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देखिए, हमने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये आप देखिए कितनी बढ़िया सी चटनी इस नाश्ते के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये आप देखिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई, तो इसे साइड में रखते हैं। और ये हम गैस में हमने तेल गरम करने रख दिया था पहले ही, तो एक एक करके और इसे डाल देंगे। तो गैस को मीडियम पे रखेंगे और एक एक करके ये जो बॉल हैं ये हम डाल देते हैं आलू की, और इसे बनने देंगे थोड़ी देर तक। जल्दी जल्दी इसे पलटेंगे नहीं, थोड़ी देर बनने के 1-1.5 मिनट तक बनने देंगे, और इसके ऊपर गरम गरम तेल डाल लेंगे ताकि ऊपर से भी सिकती रहेंगी। तो ऐसे करके आप चाहें तो पूरी डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके और इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो अब हम इसे पलट लेंगे ऐसे करके। ये आप देखिए तो हल्का हल्का कलर इसमें आने लग गया है। तो ऐसे ही उलट पलट करके 2-4 बार इसे उलट पलट करके बढ़िया से बनाएंगे तो ये अच्छे से करारी बन जाएंगे एकदम से, और बढ़िया से कच्चे जो आलू हैं वो भी बढ़िया से पक जाएंगे। तो ऐसे ही बनने देंगे इसको। तो ये आप देखिए कितने करारे करारे सी बन के तैयार हो गई हैं। तो थोड़ी इसे और पलट लेते हैं। तो ऐसे ही करके और बिल्कुल करारी हमने बना दिया है इसको। तो ये बनके एकदम तैयार हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं तो छन्नी में रख लेंगे, जो भी तेल होगा वो कढ़ाई में ही गिर जाएगा। ये आप देखिए तो बिल्कुल करारा सा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो इसे चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये आलू का नाश्ता कैसा लगा, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। तो ये आप देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो इस चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ आप खा सकते हैं इसको। थैंक यू।